बताएगा आप पढ़ेंगे अंक की मात्रा वाले शब्द। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 को पढ़ने से पहले हम पहले आप लोगों को अंक की मात्रा वाले शब्द को याद करवाएंगे, पढ़ना सिखाएंगे। ओके, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा है मंदिर, 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 म पे अंक की मात्रा लगा हुआ है तो बना है मंदिर। पंडित, म पे अंक की मात्रा लगा हुआ है तो ये बना है पंडित। शंकर, इसको हम पढ़ते हैं शंकर, स पे अंक की मात्रा लगा हुआ है तलावे शब्द ऊपर। ओके स्टूडेंट, लंका, ल पे अंक की मात्रा लगा हुआ है तो ये बना है लंका। झंडा, झ पे अंग की मात्रा लगा हुआ है तो ये बच्चों बना है क्या आपका झंडा बना है। बंदर, ब पे अंग की मात्रा लगा हुआ है, ब पे क्या है अंग की मात्रा बंदर। मयंक, य पर अंग की मात्रा लगा हुआ है जिसको हम पढ़ेंगे क्या मयंक। वंदना, वंदना, ब पे अंग की मात्रा लगा हुआ है तो इसे हम पढ़ेंगे वंदना। क्या पढ़ेगा हम इसको वंदना। चंचल, चौपे अंग की मात्रा लगा हुआ है यहाँ पे चंद चंद पढ़ेंगे। रंग, रंग, व पर अंग की मात्रा लगा हुआ है बच्चों तो इसे हम पढ़ेंगे क्या रंग। वंदना, व पे अंग की मात्रा लगा हुआ है दो ना वंदना। इस तरह से बच्चों आप लोग पहले ही अंग की मात्रा वाले शब्द को अच्छे से आप लोग याद करेंगे। एक बार हम और पढ़ के आप लोग बताते हैं मंदिर, पंडित, शंकर, लंका, झंडा, बंदर, मयंक, वंदना, चंचल, रंग। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आप लोग अंग की मात्रा वाले शब्द को पहले पढ़ना सीखेंगे, याद करेंगे, उसे लिखना सीखेंगे। आइए आप लोग अपनी बुक ओपन कीजिए, पेज नंबर 37 का नीचे वाला पैराग्राफ आप आज पढ़ेंगे। अरे वाह देखो, ठीक है, इसके पहले वाला पैराग्राफ हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे ना, आप लोग मुझे पढ़ के भी सुनाए। अरे वाह देखो, मंदिर में मोर भी है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? अरे वाह देखो, मंदिर में मोर भी है। मोर के पंख कितने सुंदर हैं, मोर के पंख कितने सुंदर हैं। पंख कैसे लिखेंगे बच्चों? यहाँ पे देखिए आप लोग पॉ, पॉ पे अंक की मात्रा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे पॉ, तो ये बन जाएगा आपका पंख। क्या होगा ये बच्चों? आपका पंख बन जाएगा। और सुंदर, सुंदर यहाँ लिखा हुआ है, सुंदर कैसे लिखेंगे आप लोग? सौ में उ की मात्रा लगाएंगे सू हो जाएगा, गौप और अंग की मात्रा, ठीक है, सुंदर। सू अंग की मात्रा दो और सुंदर, ठीक है, इस तरह से आपने लिखेंगे सुंदर। संतरे के पेड़ पर बैठे उस बंदर को देखो, संतरे के पेड़ पे बैठे उस बंदर को देखो, तो संतरा कैसे लिखेंगे बच्चों? आपको मैं बताती हूँ, यहाँ पे सौ, सौ पर अंग की मात्रा देंगे और तो और संतरा यानी कि ऑरेंज आप लोग खाते हैं ना ऑरेंज। संतरे के पेड़ पर बैठे उस बंदर को देखो, बंदर बहुत ही चंचल होता है। आप लोग देखे हैं ना मंकी, बंदर कितना चंचल होता है ना, उछलते कूदते रहता है इस पेड़ से उस पेड़ पे, उस पेड़ पे, उस पेड़ पे। आप लोग गांव में, जब गांव में भी बंदर कभी कभी आ जाते हैं, पूरे गांव में धमाल मचा देते हैं, हंगामा मचा देते हैं, इतना उछलते हैं, इतना कूदते हैं, बच्चे उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं, ठीक है। तो बंदर जो होते हैं बहुत ही चंचल होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चंचल कैसे लिखेंगे? चंचल, चौ, चौ अंक की मात्रा यहाँ देंगे, फिर चौ लिखेंगे और यहाँ
हाथी की चंचल होता है, ठीक है। लंगूर क्या होता है? बंदर से भी अधिक चंचल होता है। आप लोग घूम देते हैं लंगूर। यहाँ पर मैंने आपको लंगूर पहले लिखना सिखा दो आपको। लंगूर, ठीक है। लौ पे अम की मात्रा, गौ में उन की मात्रा लगा हुआ है, गौ लंगूर। लंगूर उससे भी अधिक चंचल होता है। मंदिर के ऊपर के सरिया रंग के झंडे को देखो। मंदिर के ऊपर के सरिया रंग के झंडे को देखो। वह हवा में कैसे लग रहा है? वह हवा में कैसे लहरा रहा है? स्टूडेंट्स, ये है आज का आपका अंग की मात्रा वाले शब्द। इस पैराग्राफ को आज हम लोग मुझे अच्छा से पढ़ के सुनाएं, ठीक है। इस पैराग्राफ को खूब अच्छा से आप लोग आज पढ़ेंगे, मुझे पढ़ के सुनाएंगे, इसे लिख के दिखाएंगे, और मेरे जितने भी यहाँ अंग की मात्रा वाले मंदिर से लेके लंगूर तक जितने भी शब्द लिखा है आप उसे लिख के मुझे दिखाएंगे और इसे याद करके भी आप लोग मुझे सुनाएंगे आज। तो सबसे पहले आप लोग इस अंग की मात्रा वाले शब्दों को याद करके सुनाएंगे, लिखेंगे आप लोग, और उसके बाद ये लास्ट पैराग्राफ जो है लेसन नंबर 37 का आप लोग पढ़ेंगे अच्छी तरह से और मुझे आप सुनाएंगे। स्टूडेंट्स, ये है आज का आपका हिंदी क्लास अंग की मात्रा वाले शब्द। हम लोग नेक्स्ट क्लास में